रंगों का त्यौहार होली के पास आते ही जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। श्रीनगर में भी होली के त्यौहार से पहले बीती देर शाम को डांग आम्रकुंज में होली मिलन समारोह किया गया। इस अवसर पर स्थानीय निवासी जसपाल बिष्ट के घर में होली गीत गाकर एक दूसरे को होली की बधाइयां दी गई। साथ ही स्थानीय लोगों ने होली पर्व को सौहार्द पूर्वक व प्राकृतिक रंगों से मनाने की अपील की। बॉडी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। होली का जो माहौल है, होली का जो त्यौहार है, आज हमारा पूरा देश इसलिए भी इस त्यौहार को बढ़ चढ़ के मना रहा है क्योंकि देश में जो है राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है और इस सरकार ने होली का त्यौहार हो, दीपावली का त्यौहार हो या हमारे तमाम जितने भी त्यौहार हैं सब पे जो है सरकारी छुट्टियाँ घोषित की हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पूरा देश जो है होली के त्यौहार को मना रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को प्रणाम करता हूं और होली की बधाई देता हूं कि सब लोग होली अच्छे से खेलें और अपने परिवार के साथ अच्छे से खेलें, क्योंकि जिस तरह से माहौल रहता है तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कम से कम जो है अपने जो घर है, आंगन है, उससे ज़्यादा बाहर जाए, क्योंकि इस टाइम पर जो है कुछ जो दुष्प्रचार के लोग होते हैं वो जो है गलत इसका फायदा उठाते हैं। जी हाँ, कोरोना काल के बाद जो है ये एक ऐसा मौका है जब हम सार्वजनिक रूप पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं और होली को बहुत बढ़ चढ़ के मनाने की का हमारा प्रयास है कि हम इन चाहना है कि हमारे बच्चा अच्छी होली खेलो ना, शानदार होली खेलो ना, कुछ बिघन ना हो और नशा बिल्कुल मुक्त रहो, नशा से मतलब मुक्त रहो, बस ये हमारी इच्छा, मतलब इच्छा क्या, ये हमारी इच्छा कि हमारे बच्चा भी सही रहो।